नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज देखिए अंकल अंटी दोनों लोग मिलके प्याज की व्यवस्था करने जा रहे हैं। प्याज उगाने की पूरी पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि प्याज को कैसे उगाना है। एक तरीका तो है कि अगर आपको साग खाना है तो आप अपने घर में जो प्याज है उसी को छोटी छोटी जो प्याज हो उसको भी आप गाड़ देंगे मिट्टी में, तो भी वो साग खाने के लिए बढ़िया आपको हरे पत्ते देगा। और एक तरीका है बीज से प्याज उगाना। मैं बीज से प्याज उगाने की जानकारी आपको दे रहा हूँ कि देखिए मैं मिट्टी मैंने अपनी अच्छी तरह से बना ली है और इसको सीडलिंग ट्रे में मैं प्याज को उगाऊंगा। सीडलिंग ट्रे में इसलिए प्याज को उगाऊंगा कि जैसे आप गमले में काफ़ी सारे बीज डाल देते हैं तो कई बार बहुत घने हो जाते हैं, और घने के साथ साथ क्या होता है कि कुछ बीज नीचे चले जाते हैं, वो उगते नहीं हैं, और कुछ बीज जो उगते हैं वो कमज़ोर से रह जाते हैं, बहुत कमज़ोर बीज रह जाते हैं क्योंकि पास पास हो जाते हैं। इसलिए मैं देखिए मिट्टी इतनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी मैंने तैयार की है, और सीडलिंग ट्रे वाली मिट्टी मैंने कई बार वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सीडलिंग ट्रे के लिए मिट्टी कैसे बना। एक भी गांठ इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, आपको कायदे से इसको इस तरह से मिला लेना है। और मिट्टी इतनी भुरभुरी बनाए जिससे बीज अंकुरित होने के लिए उसको जरा सी भी अगर दिक्कत होगी बीज को अंकुरित होने में तो बीज वहीं पर ही सड़के मर जाएगा। और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि पानी जो भी डाला जाए वो पानी तुरंत मिट्टी से नमी केवल ले ले, बाकी पानी पूरा ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। दूसरी से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से भुरभुरी बना ली है, और बनाने के बाद देखिए कितनी सुंदर मिट्टी, इसमें एक भी गांठ नहीं छोड़ी है हमने। और इस तरह से कंकड़ पत्थर जो भी हैं उनको आपको बाहर कर देना, एकदम अच्छी सी मिट्टी इसके अंदर भरनी। इस तरह जैसे प्लास्टिक वगैरह कई बार आ जाती है। अब देखिए ये मेरी सीडलिंग ट्रे, अब सीडलिंग ट्रे में भी मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए कि इसमें छेद आपको बराबर दिखने चाहिए। एक भी सीडलिंग ट्रे के छेद को अगर एक छेद बंद रहेगा और आपने अगर इसमें बीज लगा दिया तो पानी नीचे जाएगा नहीं जिस समय आप पानी देंगे, और वो सीडलिंग ट्रे में पड़े पड़े बीज सड़ जाएगा। इसलिए होल का विशेष ध्यान रखें। और ये मेरी सीडलिंग ट्रे है, मैंने प्याज उगाने के लिए लिया है, तो ये शुगर कैन वाली सीडलिंग ट्रे है। इसके अंदर गन्ना को उगाया जाता है। बड़ी वाली सीडलिंग ट्रे लें, छोटी वाले सीडलिंग ट्रे ना लें प्याज उगाने के लिए। ये बड़ी साइज की सीडलिंग ट्रे है, देखिए मैं इसमें भर के। और ये सीडलिंग ट्रे आपको अमेजोन पे और आपके नर्सरी से आप उससे कहिए हमको गन्ना उगाने वाली जिसमें गन्ना उगाया जाता है इसका साइज बड़ा होता है। ये देखिए मिट्टी मैं अभी आपको भर के दिखाता हूँ और बीज भी लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर पूरा बीज, सॉरी पूरी मिट्टी इस तरह से भरनी। तो देखिए अभी और मैं मिट्टी डालता हूँ इस तरह से। अब इसमें मैं क्यों उगा रहा हूँ ये भी बता दूँ, मैं इसलिए उगा रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा सा अगर लेट हो जाएगा तो इसी के अंदर थोड़े दिन तक अगर बीज पड़ा रहेगा या पौधा पड़ा रहेगा तो ये ट्रे बड़ी है तो इसमें ग्रोथ होती रहेगी और हरा साग खाने को मिलता रहेगा। और जैसे ही हमारे गमले खाली होंगे तो यहाँ से निकाल निकाल के मैं अपने गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जितने में आ जाएगी मिट्टी मैं उतने ही बीज लगाऊंगा। ये देखिए इस तरह से पूरी सीडलिंग ट्रे मैंने लगभग भर ली है। ये देखिए जैसे ही मेरे पॉट खाली होंगे मैं उसमें इनको यहाँ से निकाल के ट्रांसफ़र कर दूंगा, और कुछ जब तक पॉट नहीं खाली होगा तब तक हरा साग मेरे को यहाँ से खाने को तो मिलता ही रहेगा। और मैं हरा साग खाने के लिए ही ये सीडलिंग ट्रे में लगा रहा हूँ, मेरे को प्याज खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हरे साग की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इस तरह से मिट्टी लगाने के बाद ये जो दो खाने बचे हुए हैं इन दो खानों को अभी बाद में मैं मिट्टी बनाकर फिर भर दूंगा। और इसके बाद में क्या करना है इसको अच्छी तरह से इस तरह से
इस तरह से आप उठा के चारों तरफ से ऐसे ठोक दें तो मिट्टी के अंदर पुलाई खत्म हो जाए। इस तरह से आप अच्छी तरह इसको कर दें। अब किसी भी लकड़ी के सहायता से इसमें हल्का हल्का ऐसे छेद करें, बीच में बहुत गहराई में छेद ना करें। ये देखिए इस तरह से आप छेद करें और इसका बीज जो है ना बहुत छोटा होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बीज इस तरह से आप छेद कर लें, और छेद ना करें तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। मैं बीज आपको दिखाता हूँ, ये कलौंजी की तरह बीज होता है इसका, जैसे किचन में जो कलौंजी अचार में डाली जाती है उसी की तरह बीज होता है। मगर आप कलौंजी को की प्याज का बीज कलौंजी होता है ये ना समझें, मगर वैरायटी बिल्कुल वैसी होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसकी कैसी वैरायटी होती है। ये देखिए ये बीज देखिए, ये बिल्कुल कलौंजी की तरह आपको बीज दिख रहा होगा, मगर कलौंजी का बीज नहीं है, ये प्याज का बीज है। और एक एक बीज मैं एक एक बीज इसको ऐसे दाने एक एक दाना एक एक उसमें डाल दूंगा। दो गिर जाएंगे तो कोई बात नहीं, देखिए इस तरह से डालना। इस तरह से कलौंजी का बीज आपको इस तरह से एक एक सीडलिंग ट्रे में ऐसे डाल देना, और जहाँ भी गिर जाए कोई बात नहीं। इसके बाद हम इसको इस तरह से पूरी ट्रे में एक एक बीज मैं रखता जा रहा हूँ। बाद में इसको मैं अभी आपको दबा के दिखाता हूँ। आपको फायदा सीडलिंग ट्रे में उगाने से ये होगा कि देखिए बीज दूर दूर से उगेगा, और जब आप गमले में इस बीज को उगाते हैं तो बहुत पास पास बीज हो जाता है, जिससे वो घना हो जाता है और बीज काफ़ी दिन तक ग्रोथ नहीं कर पाता। सीडलिंग ट्रे में बीज दूर दूर रहेगा, और इसी में आपको खाने के लिए प्याज का हरा प्याज मिलेगा। आप भी अपने छत के ऊपर अगर आप जगह कम है तो आप सीडलिंग ट्रे में प्याज को उगाइए, फिर उसका रिजल्ट देखिए, परिणाम देखिए। अगर दो दो बीज गिर जाए तो कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है एक बीज अंकुरित नहीं होता। देखिए मैंने लगभग ये पूरा प्याज लगा लिया, और इसमें जो ये बचा हुआ प्याज है इसको मैं रख लेता हूँ, प्याज का बीज। और प्याज का बीज दो तरह का आता है, मैं आपको बता दूँ। एक तो प्याज का बीज आता है जो बिल्कुल रेड कलर का होता है, और एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है। अब देखिए जो बीज गिरा हुआ है इसको ऐसे ये ऐसे बंद किया, और बंद करने के बाद इसी को उसी मिट्टी से ऐसे बंद कर दिया। यहाँ पे प्याज गिरा हुआ है इसको मैंने ऐसे बंद कर दिया, इसको ऐसे बंद कर दिया, ये सारे बीज बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद इसमें पानी डाल के आपको दिखाता हूँ। आप ऊपर से मिट्टी भी लगा सकते हैं, आप ऊपर से कोकोपीट भी लगा सकते हैं। मैं अभी इस बीज को ऐसे ही कर दे रहा हूँ, इस तरह से पूरा बीज अंदर किए दे रहा हूँ। इसके ऊपर से आप कोकोपीट लगा देंगे तो बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएगा। और इसको रखना है आपको जहाँ पर रोशनी पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ रही हो, उस जगह पे आपको रखना है बीज को। देखिए इस तरह से मैं आपको कोकोपीट भी लगा के दिखाता हूँ, ये बीज को अंदर कर दूँ पहले। अब रखना है जहाँ पर रोशनी भयंकर आ रही हो, पर वहाँ पर बारिश का पानी ना आ जाए, क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा ऐसा है कि बारिश का पानी भी आ सकता है। तो बारिश का पानी ना आए तो किसी शेड के नीचे रखिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ रही हो, और बीज जब अंकुरित हो जाए तब आप इसको निकाल के धूप में सनलाइट पे रखिए। धूप में रखेंगे तो लैगी सा पौधा नहीं होगा, नहीं तो कई बार आपकी सीडलिंग काफ़ी लैगी लैगी सी हो जाती है। और इसको बहुत गहराई में देखिए, मैंने नहीं दबाया है बीज को। इस तरह से करने के बाद सारा बीज मैंने देखिए नीचे कर दिया, और करने के बाद इसको ऐसे हाथ से इस तरह से फंसा दूंगा, बंद हो गया, पूरा बीज अंदर हो गया। अब इसके बाद में इसमें आपको पानी दे देना है। मैं पानी अभी नहीं दूंगा, इसलिए इस तरह से दिखा जरूर दूं कि आप इस स्प्रे कैन जो ये स्प्रे वाली बोतल होती है आपको इसमें इससे आपको प्रेशर वाली से इस तरह से आपको पानी देना है। मगर मिट्टी हमारी बहुत गीली है तो मैं हल्का सा आपको पानी दे के देखो दिखा देता हूँ, ज़्यादा पानी नहीं देना। इस तरह से पानी दे, बीज को अंदर जरूर कर दें, नहीं तो चिड़िया दाना उठा ले जाएगी, फिर आप कहेंगे कि बीज तो जमा ही नहीं। इस तरह से पानी दे के अब मैं इसको शेड के नीचे रख दूंगा। ये प्याज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएगा, जब अंकुरित होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर फिर दिखाऊंगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अंकल जी का वीडियो देखते रहें।